तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये है UMT के ऊपर। तो बहुत मेरे ऐसे भाई होते हैं जो कि अभी भी मेरे शॉप पे आते हैं, जो दुकानदार होते हैं और उनके पास UMT होते हुए वो मेरे यहाँ आते हैं अपने फ़ोन का लॉक करवाने के लिए। जैसे वीवो का हो गया, जिस फ़ोन का प्री ऑर्डर बनाता है, या और भी बहुत सारे ऐसा फ़ोन होता है जो कि मान लीजिए उसके पास UMT रहता है, बट फिर भी वो खुद से अपना फ़ोन अनलॉक नहीं कर पाते हैं। उनका सोचना ये होता है कि भैया अनलॉक टूल से आपके पास अनलॉक टूल है और आप इसको वन क्लिक में कर देंगे, बट मेरे पास UMT है उसमें हो नहीं पा रहा है या तो फेल हो जा रहा है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में बस हम यही सब जानेंगे कि आखिर जो ये लेटेस्ट जो UMT का नया सेटअप आया है MTK 1.1 करके, उसमें मान लीजिए मेरे पास अगर कोई वीवो का लेटेस्ट फ़ोन आ जाता है MediaTek में ही, तो उसको हम कैसे अनलॉक करेंगे, या अदर बहुत सारा फोन इस तरह का है जिसका कि मान लीजिए हम अनलॉकिंग किस तरह से करेंगे। सो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इस पे आप लोग कंप्लीट वीडियो पे बने रहिए और देखिए किस तरह से हम बताते हैं और करते हैं। करेंगे तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देखे हैं, समझे हैं, बट आप लोगों के साथ उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। बट चलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसा वीडियो है मेरे पास जो कि हम अनलॉक किए हैं। शॉर्ट वीडियो वैसे आप लोग देख चुके होंगे मेरे चैनल पे, बट चलिए आज हम बताते हैं कैसे आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोम पे और वहां पे जाने के बाद जो है आप लोगों को दिखाएंगे आखिर क्या अपडेट है और उस अपडेट में क्या क्या बताया गया है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेट से आया है बट आया है जरूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लोग बहुत मेरे ऐसे भाई होते हैं जो कि ओल्ड जो UMT का कोई भी सेटअप होता है, जैसे QC5 हो गया या सैमसंग का हो गया या फिर स्पेक्ट्रम जो SPD यूनिस्क वाला टूल होता है वो हो गया, सब ओल्ड ही यूज करता रहता है यार। अगर नया आता है तो आप लोग UMT सपोर्ट में जाइए, नया डाउनलोड कीजिए। नहीं UMT सपोर्ट में जाते हैं तो फिर नया बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ के ऑलरेडी अपडेट दे दिया जाता है और वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, साइट ओपन किए हैं। आप लोगों को कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिर क्या अपडेट आया, चाहे वो UMT का हो, अनलॉक टूल का हो, मिरकल का हो, एनी भी बहुत सारा टूल होता है उसका अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, देखिए आज जैसे 10/2/2024 है तो आज भी UMT का कुछ अपडेट आया है। UMT प्रो iOS टूल version 3.9 करके ये अपडेट है, बट चलिए इस पर हम वीडियो नहीं बना रहे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो MediaTek के टूल के ऊपर है, क्योंकि वीवो का बहुत सारा ऐसा फोन होता है जहाँ की बहुत मेरे ऐसे भाई होते हैं जो फंस जाते हैं और वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई कहाँ गया MTK, हाँ 1.1 देख सकते हैं डायरेक्ट दिया हुआ है, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल। बहुत सारा इस तरह का फोन है जो कि आप इजिली अनलॉक कर पाएंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए ये 28/1/2024 को ही ये अपडेट दिया गया था, बाकी हम आगे बताएंगे उस टूल में जाकर कैसे आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए जो MediaTek version 1.1 का है उसमें क्या क्या अपडेट है। तो थोड़ा सा हम चलेंगे नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स एंड डिसीजन क्या है। चलिए तो यहाँ पे जो है इस टूल के अंदर में अपडेट कुछ दिया गया है इस तरह का, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो अपडेट है इन्फिनिक्स और खास करके ये आईटेल है, टेक्नो है, V34 नवंबर 2023 सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आखिर V3 हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सपोर्टेड कुछ यहाँ पे चिप दिया गया है, जैसे MediaTek का हो गया MT6761, MT6765, MT6788, MT6781, बहुत सारा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। देख लीजिए दोस्तों और भी बहुत सारा अपडेट नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए इस वेबसाइट पे आके। यहाँ पे खास करके IMEI वगैरह रिपेयर वगैरह के लिए भी दिया गया है, बट IMEI रिपेयर करना इनलीगल है, तो आप लोग कभी भी अनलॉकिंग का भी काम करते हैं तो वो भी लीगल नहीं है, अनलीगल ही है। तो इस चीज़ को आप लोग हर एक टाइम ध्यान में रखें कि अगर हम अनलॉकिंग का काम कर रहे हैं तो कभी भी कस्टमर से बिल या डब्बा लेकर ही काम करें, और IMEI रिपेयर करना तो इलीगल ही है, तो ये सब चीज ना ही करें तो बेस्ट है। बाकी देख लीजिए अपने हिसाब से आप काम कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों बहुत सारा अपडेट दिया गया है, बट अब चलते हैं फिलहाल हम उससे पहले, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसा कि यहाँ पे कुछ
कुछ MI का भी यहाँ पे अपडेट मिल गया जाएगा। यहाँ पे एडिट इरेज डाटा प्लस FRP ऑप्शन, अपडेट फिक्स रिकवरी फंक्शन और भी अपडेट है यहाँ पे। बट चलिए हम चलते हैं उस टूल के अंदर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस टूल के अंदर, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत बार ये होता था, पहले का जो टूल था उसमें ये होता था कि फोन जब जो भी प्रीलोडर वाला फोन आता था वो अनलॉक नहीं हो पाता था, बहुत सारा मॉडल। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे बोलेंगे बहुत मेरे भाई जी, जैसे कि ऑटो पे हम काम करते थे या फिर मान लीजिए मॉडल वाइज यहाँ पे सेलेक्ट करके काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे मॉडल वाइज अगर हम सेलेक्ट भी करते हैं तो वीवो का बहुत सारा लेटेस्ट मॉडल नहीं है। और जब हम ऑटो पे यहाँ पे सेलेक्ट करके इरेज डाटा कर देते हैं या FRP रिसेट करते हैं तो जो प्रीलोडर वाला फोन होता है वो नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो चलना है यहाँ, आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ चुका है, इस पर PL एक्सप्लोर करके कुछ ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आना है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है इन्फिनिक्स का Version 1, Version 2, Version 3, तो इन्फिनिक्स का कोई फोन आपके पास अगर FRP या फिर अनलॉकिंग के लिए आता है, नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं इन्फिनिक्स Version 1 और Version 2, Version 3 हो ही जाएगा 100%। उसके बाद दोस्तों मोटो का भी कुछ यहाँ पे अपडेट है, देख लीजिए, यहाँ पे मोटो का भी बहुत सारा अपडेट है जहाँ की कर सकते हैं। अब ओप्पो का V1, V2, ओप्पो का प्रीलोडर फोन यहाँ पे नहीं कर पाते थे मेरे बहुत ऐसे भाई होते थे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ओप्पो V1 सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद जाकर के इरेज डाटा करना है, FRP करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसा कि हम चलते हैं दोस्तों, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हम इसको टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, आपके पास अगर फोन है तो, और नहीं है तो आगे आपके पास अगर फोन आता है तो इस सोल्यूशन से कीजिए, आपका फोन 100% अनलॉकिंग या फिर FRP जो भी है कर सकते हैं। अब जैसे कि आज मेरे पास आया था वीवो का Y16 फोन, इसमें हम परेशान हो रहे थे, बट यहाँ पे इस ऑप्शन में जा करके V2 से हम Y16 का काम किए, जो कि शॉर्ट वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो V2 ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम अपना FRP किए तो एक बार में FRP डन हो गया। वीडियो देख लीजिए, सामने पड़ा हुआ वीडियो नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं सेव फॉर्मेट ओप्पो का दे दिया है, इरेज डाटा प्लस FRP, ये सब ऑप्शन बढ़ गया है। अब यहाँ पे जैसा कि एक बात और है, फिक्स रिकवरी। अब बहुत मेरे ऐसे भाई होंगे जो पूछेंगे यार ये फिक्स रिकवरी क्या है, तो इससे पहले मेरे साथ बहुत बार ये होता था कि मेरे पास ओप्पो का कोई फोन आ गया, यानी भी जरूरी ये नहीं है कि ओप्पो का ही होगा, वीवो का भी हो सकता है और भी कंपनी का हो सकता है। तो वहां पे होता था ये कि फोन को जब हम फॉर्मेट करते थे तो क्या होता था पता है दोस्तों, स्क्रीन पे आ जाता था, लॉक मांगता था, और स्क्रीन जब हम टच करते थे तो टच नहीं हो पाता था अपडेट वर्जन में, और फिर जाकर के उसको हम बार बार फॉर्मेट भी करते थे फिर भी वो रिकवरी पे ही आके रुकता था और हमसे मांगता था लॉक, बट टच वर्क नहीं करता था। बहुत सारा ट्राई करते थे, बहुत बार तो कुछ ट्राई ये भी करते थे डिस्प्ले चेंज करके तो हो जाता था, बट जो अपडेट वर्जन आया उसमें ऐसा भी नहीं होता था। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे क्या, फिक्स रिकवरी पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करके एक बार में ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, जो कि UMT के अंदर एड हो चुका है। अनलॉक टूल में नहीं देखे हैं दोस्तों या ऐसा कुछ अपडेट नहीं देखे हैं, हो सकता है हो, या अनलॉक टूल भी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ होता है, बट हमें या फिर आपको नॉलेज नहीं होता है उतना ज्यादा, जिसके कारण उसमें बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने के लिए उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है फिक्स रिकवरी का। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे इन्फिनिक्स 2023 का कुछ ये अलग दे दिया है, आप FRP रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट FS डिसेबल ब्रॉम, एनीवे यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिक्स का कुछ अलग टैब बन चुका है। उसके बाद जाकर के अकाउंट ID MDM रीसेट, इसका भी अलग एक ऑप्शन बन चुका है, जैसे कि MI अकाउंट आपके पास आता है या फिर MI रीलॉक फिक्स कर सकते हैं, एनीवे हवाई ID सैमसंग KG रिमूव, तो अब KG रिमूव का पता ना क्या फंडा है, अभी तक हम नहीं किए हैं इसमें, आगे ट्राई करेंगे, फिर हो सकता है अगर इससे कुछ होता है तो हम आप लोगों के साथ इस पे एक वीडियो बनाएंगे। बट नीचे इन्फिनिक्स का हो ही गया, IMEI रिपेयर के बारे में यहाँ मॉडल वाइज दिए हुआ है, कंपनी वाइज Xiaomi ओप्पो मेथड, बट ये काम ना ही करे तो बेस्ट समझूंगा। अगर अनलॉकिंग का भी काम करते हैं तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बच के करिए और सतर्क होके कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ये होता है ना कि आप फंस सकते हैं, एक बार फंस गए तो 2-4 लाख रुपया का पंगा पड़ सकता है, तो इसलिए कभी भी अनलॉकिंग करते हैं 100-200 रुपये के चक्कर में मत पड़े, और कभी भी अनलॉकिंग करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बिल और डब्बा लेकर ही हम काम करें, ताकि हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो,
क्योंकि 100, 200, 300 कमाने के चक्कर में फिर हमें बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक बात कहूंगा कि खास करके जो मेरे ऐसे भाई होते थे ओप्पो वीवो या फिर इन्फिनिक्स टेक्नो का लेटेस्ट फोन प्रीलोडर वाला नहीं कर पाते थे, तो वो इस टूल के अंदर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट है दोस्तों आप लोगों के सामने, जैसे ओप्पो DL एरर आता था तो वो भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। CPH वैज दे दिया है, आप यहाँ पे देखकर काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ न्यू लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। बाकी दोस्तों, आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कोशिश ये करूंगा उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं, क्योंकि इस बीच में वीडियो बहुत कम आप लोगों के साथ हम कुछ खास बना ही नहीं पाए हैं, और देख ही सकते हैं चैनल का क्या स्थिति है। चलिए दोस्तों, बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।